ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ मेजर चेंजेस आने वाले दिनों में दिखेंगी और ये मेजर चेंजेस ज़्यादातर आ रही हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा को लेके। ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा डायरेक्ट यहाँ से जो लोग जाते हैं पीआर के बेसिस पे उनके लिए भी अप्लाई होता है और जो स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ने के बाद अप्लाई करना चाहते हैं ये उनके लिए भी अप्लाई होता है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी होती है। हम अक्सर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चे चले जाते हैं बट पीआर में उनको काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। शानदार कंट्री है इसलिए हर कोई जाना चाहता है, उस स्ट्रगल को भी करने से वो गुरेज नहीं करता। बट ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है कि वो उन्होंने खुद ये माना है कि हमारा जो सिस्टम है वो कई जगह पे हमें रोकता है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर ज़्यादा नहीं रुक पाते या ज़्यादा नहीं आ पाते और ये माइग्रेशन इफेक्ट को भी रोकता है, हमारी लेबर इफेक्ट के कारण फिर हमारे बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। तो इस चेन को कहीं ना कहीं उन्होंने समझा है और उनका ये भी कहना है कि ये सालों पुराना सिस्टम है जो आज की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करने दे रहा। तो आने वाले दिनों में अब ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे पीआर सिस्टम को, माइग्रेशन सिस्टम को, स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी को, इन सब को रीवैम्प करने वाला है। दोबारा नए रूल्स आएंगे, प्रेजेंट वाला जो है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आगे आने वाला सिस्टम पॉइंट बेस्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट विल डिपेंड। और ये कौन से नए रूल्स होंगे, कब तक आएंगे, इसके बारे में अभी कोई कमिटमेंट उन्होंने नहीं दी बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर ये चेंजेस आ सकती हैं और आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया और इजी हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए टू गेट सेटलमेंट्स ओवर देयर। ये एक अच्छी खबर होगी, अच्छी गुड न्यूज़ होगी उनके लिए भी जो वहाँ पर हैं और उनके लिए भी डेफिनेटली जो ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जाने का जो आगे का सफ़र है वो निश्चिंत होकर करें क्योंकि एक प्रॉब्लम वेस्ट में लगातार है जिसको ऑस्ट्रेलिया ने भी इस न्यूज़ में हाईलाइट किया, दैट इज़ एजिंग। उनके लोकल लोग एज्ड होते जा रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं, नई जनरेशन उतनी नहीं आ रही हैं बिकॉज लोग यहाँ फैमिली सिस्टम में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं और वो फैमिलीज आगे नहीं बढ़ा रहे। तो कहीं ना कहीं डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अब वेस्ट कंट्रीज को तंग करने लगा है, तो ऑस्ट्रेलिया भी इस तंगी से अब जूझने लगा है। तो डेफिनेटली जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है सबके लिए। सो निश्चिंत और बेफिक्र होकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें और बिल्कुल समा ना गवाएं। ब्रॉडवे से अप्लाई करते हैं तो आप पूरा केस पैकेज में अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। सो यूके इंटरव्यूज, जिन बच्चों की ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं, जिन्होंने फीस ट्रांसफर कर दी है, ये उनकी अब प्रायोरिटी माइंडसेट रहता है और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो पहले इंटरव्यू लेती हैं और फिर फीस ट्रांसफर करती हैं। अब इसके बीच में दोस्तों एक चीज को समझो कि रश है और इस रश के साथ आपको जूझना पड़ेगा। अभी आप अप्रैल में हो, 99% सेफ हो, अभी बहुत टाइम है यूनिवर्सिटीज के पास आपको इंटरव्यू स्लॉट देने के लिए, इंटरव्यू चेक करने के लिए और आपका रेस्ट ऑफ द प्रोसेस करने के लिए अगर ऑफर लेटर्स आ चुकी हैं। ऑफर लेटर्स नहीं आई हैं तो स्टिल अभी ऑफर लेटर्स इशू होती रहेंगी, प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ मई तक तो काफी ऑफर लेटर्स अभी आती रहेंगी। तो बहुत ज्यादा घबराने की या जल्दबाजी में अपने एजेंट के साथ बहसने की या लड़ने की जरूरत नहीं है, आपके इंटरव्यू स्लॉट्स आ जाएंगे। इंटरव्यू स्लॉट्स जितने ज्यादा ऑफर लेटर अप्लाई होंगे उतने ज्यादा बच्चों को यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू करना पड़ता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है। यूनिवर्सिटी कोई 100 बंदे को हायर नहीं कर सकती जिसने साल में सिर्फ एक महीना इंटरव्यूज लेने, तो इस चीज़ को समझना होगा। उनकी जितनी टीम है उसी में से वो स्लॉट बनते जाएंगे और बच्चे सेलेक्ट होते जाएंगे। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जिनमें फीस पहले जाती है फिर इंटरव्यू होती है, तो इसमें ज़्यादातर वही बच्चे अप्लाई करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इंटरव्यू क्लियर कर जाएंगे और तो वो अपनी फीस पहले भेजने से गुरेज नहीं करते। अब कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है कि वो यूनिवर्सिटीज ऐसी ढूंढते रहते हैं कि जो पहले इंटरव्यू ले और फिर फीस जाए। अब ऐसी यूनिवर्सिटीज में उतना ही ज्यादा रश देखने को मिलता है और ज्यादा रश होने के कारण फिर वहां पर इंटरव्यू के स्लॉट्स आने में भी टाइम लगता है। सो ये जो स्ट्रगल है ये आपकी अभी चलती रहेगी, बट अगर अभी तक आपके इंटरव्यू स्लॉट नहीं आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करके रखें क्योंकि प्रॉब्लम ये आएगी कि
कि आप जल्दबाजी में शायद अपना स्लॉट तो मंगवा लो, लेकिन अगर अच्छी तैयारी के साथ इंटरव्यू क्लियर ना कर सके तो उसका सेकेंड चांस मिलना मुश्किल हो सकता है। बिकॉज यूनिवर्सिटीज के पास इतना रश है, इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन है कि शायद वो आपको दोबारा एंटरटेन करने की जगह किसी और बच्चे को एंटरटेन कर लेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जो बच्चे इंटरव्यूज की जल्दबाजी में लगे हैं कि मेरा इंटरव्यू आ जाए, फटाफट इंटरव्यू स्लॉट लाओ, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे लें, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इंटरव्यू स्लॉट चाहे महीने बाद आ जाए, वो क्लियर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से प्रेपरेशन कर रखी है, रेदर देन कि इंटरव्यू अभी आ जाए और आप डिक्लाइन हो जाओ। इस चीज के ऊपर ध्यान दो। अगर इंग्लिश वीक है तो अपनी इंग्लिश की क्लासेस साथ साथ में लगाओ, अपने कंसल्टेंट से अच्छी मीटिंग्स करो या वो टेलीफोन पे आपको टोटली ट्रेंड अप करे इंटरव्यूज के लिए, जैसे हम भी करते हैं अपने टीम्स, हमारी टीम्स हैं डेडिकेटेड जो हमारे क्लाइंट्स को ट्रेन करती हैं, बच्चों को ट्रेन करती हैं इंटरव्यू सेशंस के लिए। सो आई एडवाइज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। यूनिवर्सिटी ने अगर आपको ऑफर लेटर दिया है तो इंटरव्यू का स्लॉट भी आपको जरूर देंगे। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यूके स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो पूरा केस एक पैकेज में अप्लाई कर सकते हैं जहां सारे पैसे देने हैं वीजा लगने के बाद। और अगर आप चाहते हो आपका प्रोसेस फास्ट चले तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन 2017 या उसके बाद, 55% उसमें होने चाहिए, आल्स 6 ओवरऑल 5.5 हो सकता है। और अगर ये आपके पास है और फुल फीस देने के लिए आप रेडी हो तो ऑफर लेटर से लेके इंटरव्यू से लेके कास सारा कुछ 7 दिन में आप हमारे से ले सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।